Hello friends, ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties. This is the lecture number 4 of GS4 lecture series. Why GS4? UPSC में 4 GS हैं, GS1, 2, 3, 4. तो GS4 में हम पढ़ते हैं ethics. Ethics मतलब नीति शास्त्र. तो नीति शास्त्र में हम टॉपिक आज पढ़ेंगे एप्टीट्यूड और वैल्यूज. वैल्यूज भी नहीं, फाउंडेशनल वैल्यूज. एंड फॉर वॉट? एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, जनरल लाइफ के लिए नहीं. तो जो लाइन सिलेबस में लिखी होती है उनको ऐसे ही डेसीफर करना होता है. हड़प्पा की जो इंस्क्रिप्शंस थे वो तो आज तक डेसीफर नहीं हुए. आप सिविल सर्विस का सिलेबस ही डेसीफर कर लो, आप काफ़ी गहरे पानी में आ जाओगे और डूब मत जाना. तो हम कहते हैं हमारा देश महान था, था एक ज़माने में, रहा होगा, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता. तो हम कैसे कहते हैं, हम क्या बताते हैं? हम दो चीज़ें बताते हैं. लोग, उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था. दूसरी चीज़ क्या थी? उनकी वैल्यूज़, मूल्य, वो बहुत हाई हुआ करते थे. तो खैर, स्टार्ट करते हैं. सिलेबस टॉपिक एज सच ये लिखे हुए हैं. अभी हमने बात की कि हमारा देश महान हुआ करता था. आज हम ये बात करते हैं, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ तो हो ही सकता होगा, करके देखो, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा. क्या होगा? एप्टीट्यूड और वैल्यूज़ वापस ले आओ तो कुछ तो होगा. तो खैर, हमें देश के लिए यहाँ मतलब नहीं है. सिलेबस देखो, सिलेबस में सिविल सर्विसेज के लिए मतलब. तो वाई एप्टीट्यूड और वैल्यूज़, ये रिक्वायर्ड क्यों हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? पहले सिविल सर्विसेज क्या है? दिस इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस. पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. डिस्पाइट द फैक्ट, एक फैक्ट है कि बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट हैं, पुलिस है, फलाना है, सब कुछ है, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एग्जिस्ट. सब कुछ है कि आप इम्पार्शियल रहो, बट फिर भी फेवरेटिज्म है. ऑनेस्टी के लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पनिशमेंट्स हैं, फिर भी लोग करप्ट हो जाते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन तो रहता है. तो इसलिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एप्टीट्यूड की और वैल्यूज़ की. तो ये दोनों चीज़ें इसेंशियल कंपोनेंट बन जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, जो कि अल्टीमेटली आपको हेल्प करते हैं. सिविल सर्विसेज का बिहेवियर कैसा होगा, या एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा, और पब्लिक ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को वापस जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं. अगर आपने इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को प्रमोट किया, फॉर एग्जांपल करप्शन को, तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज सिविल सर्विसेज है ना, दैट विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. तो ऑटोमेटिक कंट्रोल की बात की थी. एक चचा थे ऑटो किरचाइमर, इन्होंने क्या कहा था, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं कि ये कोटेशन रटो, आपको याद करने के लिए बता दो, कुछ भी ऐसी ही चीज़ें, एक कोटेशन, एक एग्जांपल आपको लिखना है. तो ऑटो किरचाइमर ने क्या कहा, ऑटोमेटिक कंट्रोल आपका सुप्रीम है. कोई भी सुपरविज़न जो बाहर से हो वो उतना इफेक्टिव तो कभी नहीं हो सकता जो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो. तो ऑटोमेटिक कंट्रोल आएगा कैसे? दो चीज़ों से आएगा, आपका एप्टीट्यूड क्या है और वैल्यूज़ क्या है. ये जॉन मैकेन पढ़ना है तो वो भी पढ़ लो, ऐसी कुछ नहीं है. दे मस्ट आंसर टू देयर ओन कंसाइंस, यो ठीक है. व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? तो अभी अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी जान लें एप्टीट्यूड है क्या. एप्टीट्यूड होता है योग्यता या फिर टैलेंट. इट इज़ इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स एट सर्टेन लेवल. किसी के अंदर जो पोटेंशियल होता है कि कोई आदमी किसी कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट इज़ हिज और हर एप्टीट्यूड. अगर सिंपल कन्वर्सेशन में बात करें तो ये टैलेंट है बस. तो एप्टीट्यूड दो तरह का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है. फिजिकल कैसे? जैसे धोनी जब दौड़ता है, आपने कभी धोनी की रनिंग देखी हो तो दो पैर और एक बैट, तीन पैर से दौड़ता है, फटाफट आधी क्रीज में दौड़ लेता है, दैट इज फिजिकल एप्टीट्यूड, फिजिकल टैलेंट. मेंटल एप्टीट्यूड क्या है? धोनी स्टंप करके अपील करता है तो इट मीन्स ही नोज आउट है, तो ये उसका मेंटल एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है. तो एप्टीट्यूड की नीड पड़ती है ये सब नौटंकियाँ रिजॉल्व करने में, वॉलेंट सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट. बट एक टर्म आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमेशा क्रिटिकल रोल प्ले करती है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भला है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. कुछ लोग कहते हैं कि इसे जुडिशियसली अप्लाई करो. वही एक जिग जिगेलर है, जिगजैग. तो इन्होंने क्या कहा था, योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड.
एटीट्यूड क्या है, हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ही सेज कि एटीट्यूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एप्टीट्यूड से। ठीक है, आपका एटीट्यूड ख़राब है, आप इन जनरल, आपको बिहेव करना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स ख़राब हैं, आप लोगों को परसीव नहीं कर सकते, तो आपका एप्टीट्यूड क्या करेगा? नथिंग। तो योर एटीट्यूड बट नॉट द एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एक चचा और आए थे, उन्होंने कहा था कि दोनों चीज़ें लाइक इन सिम्बायोटिक रिलेशन, जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना कि ए और बी दो चीज़ें हैं तो दोनों ही दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं। एप्टीट्यूड विदाउट एल्टीट्यूड इज़, सॉरी, एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज़ ब्लाइंड। ओके, उल्टा भी इन्होंने कह दिया था। तो अब एटीट्यूड, एप्टीट्यूड बहुत हो गया, व्हाट आर वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या हैं, मूल्य क्या होता है? तो डेफिनेशन तो इसकी कुछ ऐसे देते हैं, कॉम्प्लेक्स पर्सनल जजमेंट। वैल्यूज़ हमेशा कॉम्प्लेक्स होती हैं, आदमी के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती हैं। किस चीज़ पे बेस होती हैं? बेस्ड ऑन नॉलेज और इमोशनल रिएक्शन। वाई दीज आर कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स इसलिए होती हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, और कोई इंसान अपने लिए वो प्रिंसिपल्स चूज़ करता है जो उसके लिए वर्थफुल हों। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए हार्ड वर्क वैल्यू है कि मैं मेहनत करूंगा और यूपीएससी में अंडर 100 ले आऊँगा। कोई कहता है कि मेरे लिए करप्शन वैल्यू है, मैं पैसे देके, सीधे मेरा डेबिट से कांटेक्ट है और मैं उसको पैसे खिला के अंडर 100 ले आऊँगा। तो बोथ आर दी वैल्यूज, सम आर पॉजिटिव वैल्यूज, सम आर नेगेटिव वैल्यूज। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स पर्सनल जजमेंट्स। ओके, सो कमिंग टू द वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स। देखो, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या आप GS4 क्यों पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो? एथिक्स में भी आपकी मेरिट डिसाइड हो रही है। कुछ लोगों के एथिक्स में 122 मार्क्स आते हैं, कुछ लोगों के 140 मार्क्स भी आए हैं, शायद, पता नहीं आए हैं कि नहीं, और कुछ के 96 भी आ जाते हैं। तो जब आपका रैंक डिटरमाइन करने में आधा आधा नंबर इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसमें एथिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? सॉरी, सिविल सर्वेंट्स मेरिट के बेस पर सेलेक्ट होते हैं, फेयर एंड ओपन कंपटीशन होता है। एथिक्स इसलिए पढ़ते हैं या वैल्यूज इसलिए पढ़ते हैं, उसके बिना हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता इन टोटो। बाकी सरदार पटेल की लाइन है, पढ़ना है तो पढ़ लो, मन करे तो छोड़ दो। स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर सिविल सर्विसेज, ये कहाँ से आता है? पार्ट वन हटा दो, काट दो, तो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एक्ट। तो मैंने आपको कभी बताया था, दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ। तीन चीज़ें होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी, एक एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे कि आर्टिकल 324 में लिखा है इलेक्शन कमीशन, तो होगा, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी जिसके लिए कोई एक्ट बना दे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें जो भी प्रोविजंस होंगे वो स्टैट्यूटरी होंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, ना ही संवैधानिक है, और स्टैट्यूटरी की मीनिंग गूगल ट्रांसलेट करके देख लो, आई डोंट नो, ना ही स्टैट्यूटरी है। तो एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट ने या गवर्नमेंट ने अपने मन से कोई सर्कुलर निकाल दिया एग्जीक्यूटिव एक्शन लेके। तो इसके लिए, खैर वापस आते हैं, वैल्यूज़ के लिए स्टैचुटरी बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एक्ट से आता है। एक सेकंड ARC भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, UPSC GS4 के लिए। इसकी समरी थोड़ा बहुत पढ़नी होती है, अगर मुझे टाइम मिला तो बता दूंगा, अदरवाइज आई विल टेल कि क्या क्या पढ़ लो। इसने कुछ वैल्यूज़ बताई हैं, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी, कंडक्ट, इम्पार्शियलिटी, ये सब चीज़ें हैं। मैक्सिमम का मीनिंग इसी लेक्चर में, पढ़ना है तो पढ़ लो। अब ऐसे भी नहीं कि रटने बैठो, ऐसे नहीं पूछ लेगा कि सेकंड ARC में कौन सी वैल्यू बताई थी और अदर जनरल वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो ठीक है, उसने बताई थी वो भी हैं, जनरल वैल्यूज़ भी काफ़ी कुछ मैच करती हैं, तो ये सब पढ़ लो, ऐसे ऐसा सच रटने की नीड नहीं है। तो ये टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं, पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ हैं। कमिट कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी चीज़ जो आपको दूसरे से अलग खड़ी करती हो, दैट इज़ अ वैल्यू फॉर यू। आप हार्ड वर्किंग हो, दैट इज़ अ वैल्यू फॉर यू। आप कामचोर हो, आपकी वैल्यू है, कामचोर लोग दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वैल्यू फॉर देम। रिमोट जिस बंदे ने बनाया होगा वो एक अल्टीमेट कामचोर रहा होगा, और जो अब जो बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, आप दिमाग में सोचो और TV का वॉल्यूम बढ़ जाए, वो कितना महाआलसी होगा। तो उसके लिए महाआलस्यपन, दैट इज़ अ ग्रेट वैल्यू। तो लोगों के लिए हर चीज़ जो उनको दूसरों से अलग खड़ा करते हैं, दैट इज़ अ वैल्यू।
तो ये सब कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। दुनिया में क्लस्टर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैंने बता दिया किसी आदमी के लिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए करप्शन भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल वैल्यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो वैल्यूज़ आपकी अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ और अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उन सब के अकॉर्डिंग भी इक्वली वैलिड हैं और उतनी ही फंडामेंटल है। तो वहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल, इम्पार्शियलिटी और लॉफुलनेस एक साथ रह सकती है कि नहीं? जैसे मैंने आपको एक 80 ईयर ओल्ड लेडी का एग्जांपल दिया था कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप श्योर हो कि हाँ ये 80 ईयर्स की है, एंड शी हैज़ केम टू यू कि आप DM हो और साहब मेरी पेंशन लगवा दो। तो उसमें दो वैल्यूज़ टकरा गई, एक कंपैशन फॉर वीकर सेक्शन और दूसरी वैल्यू आपकी फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। तो पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म आपको ये बताता है कि आप इन दो चीज़ों में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल टॉलरेंस, टॉलरेंस का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक वैल्यूज़, तीन चीज़ें होती हैं, आपकी मन करे तो चार पांच और बना लेना। सिटीजन्स के इंटाइटलमेंट क्या हैं, ऐसी चीज़ें टू विच सिटीजन्स शुड बी इंटाइटल्ड एंड ऑल्सो शुड नॉट बी। सिटीजन्स को क्या देना है और क्या नहीं देना, दोनों चीज़ों की बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन बात करते हैं, और तीसरी चीज़ गवर्नेंस और पॉलिसी प्रिंसिपल्स, इन चीज़ों की भी बात करते हैं। खैर, वैल्यू ट्रेनिंग, कोई आदमी पेट से तो सीख के आता नहीं है, उसे सिखाना पड़ता है, वैल्यू ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वैल्यूज़ आर इनकल्केटेड, सिखाई जाती हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप में। अब ये सेमिनार वर्कशॉप क्यों है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अदरवाइज बच्चों को सिखाना है तो घर में सिखा दो, स्कूल के बच्चे तो उनके करिकुलम पाठ्यक्रम में ले आओ, हो गया। तो वैल्यू ट्रेनिंग की ये नीड है। तो अब कुछ वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में ऐसा लिखी हुई हैं। इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अखंडता। इंटीग्रिटी क्या होती है, हाईएस्ट लेवल, आपको बताया था मैंने GS 4L0 में इंटीग्रिटी की बात की थी। हाईएस्ट लेवल ऑफ अपहोल्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इन सब चीज़ों को जो मैक्सिमम लेवल आप बना सकते हो, तो दैट इज़ नोन एज इंटीग्रिटी। आप एडवर्स कंडीशंस में खड़े हो सकते हो, इवन आपके लिए वो सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट पे आए, तो दैट इज़ नोन एज इंटीग्रिटी। अभी इसको हम जब ये पढ़ते हैं हाउ टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी, वहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रिटी क्या करती है, आपको फॉलो करने पे मजबूर करती है कि आप राइट थिंग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, आप राइट थिंग फॉलो करो। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, ये दोनों चीज़ें इन जनरल इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑनेस्टी का मतलब होता है सिंपली मतलब ट्रू, सच बोल रहा है। इंटीग्रिटी में स्ट्रिक्ट सेट ऑफ एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ऑनेस्टी मतलब होता है ट्रू टू अदर्स, आप सामने वाले को सच बोलो। इंटीग्रिटी मतलब होता है ट्रू टू योर सेल्फ। हम कहते हैं ना, आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन खुद को मत बनाओ। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर सेइंग हिम कि बी इंटीग्रल टू योर सेल्फ, अपने लिए तो अखंडता बनाए रखो। अब एक चीज़ कही जाती है कि आप ऑनेस्ट हो सकते हो विदाउट इंटीग्रिटी, लेकिन उल्टा जरूरी नहीं कि हमेशा हो। जैसे ऑनेस्ट हूँ, सच बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे दो लोगों का मर्डर हो जाए, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इफेक्ट हो ऑनेस्ट होने के, लेकिन इंटीग्रिटी आप हमेशा पॉजिटिव देखोगे, राइट थिंग्स। उसमें अगर आपको डिसऑनेस्ट भी होना पड़े तो भी आप एक बार को हो सकते हो। खैर, यहाँ लाइन तो अपोजिट लिखी है, प्लीज़ रीचेक इट। इस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना होता है, हेयर दे आर सेइंग बट यू कैन नॉट हैव इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी, वट एवर। हाउ टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी, आप इंटीग्रिटी कैसे बनाए रख सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके होते हैं। अपनी पोजीशन को यूज़ मत करो अपने या आपके किन्स जो भाई भतीजे हैं उनके बेनिफिट के लिए, कोई फेवर मत करो किसी का ऑफिशियल रिलेशंस में, ऐसे कंडीशंस अवॉइड करो जहाँ पे आपके ऊपर शक पैदा हो डिसऑनेस्ट होने का। ऐसी कंपनी से नेगोशिएट मत करो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स, जान पहचान वाले लोग, शेयर होल्डर हों। आप लॉज, ये सब चीज़ें आप इन्फोर्स करोगे इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। स्टैंड फर्म्स अगेंस्ट अनरीजनेबल डिमांड्स, आप खड़े रहोगे।
जो आपको चाहिए उसके लिए यू विल स्टैंड फॉर्म। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एडवाइस आपको दूसरों को देनी है। फॉर वॉट? दूसरों को किसको? गवर्नमेंट को देनी है, पॉलिसी मेकर्स को देनी है। फॉर वॉट? टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। फिर चीज़ आती है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, आप बनाए रखो। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होती है? आगे है, अभी इसी पेज पे आगे आएगी, पढ़ेंगे वहाँ पे। आप पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों को चैलेंज करोगे और उन्हें अकाउंटेबल बनाओगे, और भी कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी आप लेके आओगे। तो इंटीग्रिटी अगर आप उसे मेंटेन रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजाइट्स होती हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? लेजिस्लेशन क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिटिशियन आपके, ऑफिशियल्स आपके कितने इंटीग्रल हैं, ऑनेस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी कैसी है। सिविल सर्वेंट्स, आपने देखा होगा कि रिटायर्ड आईएएस अपनी डिग्निटी बनाए रखते हैं, तो वो भी इंटीग्रिटी का एक पार्ट है। अब इंटीग्रिटी के कुछ टाइप होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में पूछेगा। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, आमदनी रुपया खर्चा अठन्नी होना चाहिए, स्पेंड लेस देन यू अर्न। फाइनेंशियल जो प्रिंसिपल्स एंड लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, आपके जो बिहेवियर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उससे कंसिस्टेंट है। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे बचोगे, तो आप प्रोफेशनली इंटीग्रल हो। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहली चीज़, बिलीविंग इन वंस थिंकिंग, आप खुद पे भरोसा रखो। ये कई बार आपको बता चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल धोनी इज स्टम्पिंग। नंबर टू, टू होल्ड द सेम स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स आप खुद बनाए रखो जो आप दूसरों से चाहते हो। इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेसी क्या होती है? आवर इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेसी इज हिडन फ्रॉम अस। हाइपोक्रेसी एक्चुअली इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का अपोजिट होता है। वहाँ हम क्या करते हैं कि हम सेम वही काम करेंगे जो हम दूसरों से चाहते हैं। यहाँ क्या, हमारी मर्जी, हम चाहे खुद वो काम करें ना करें, लेकिन दूसरे चाहेंगे कि वो करें। हम चाहे भले ही घोर करप्ट हों सामने वाले से, हम चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रिटी। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप, दो टॉपिक्स हैं। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल देखने में लगता है न्यूट्रल जैसी चीज़, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बताते हैं। इम्पार्शियल आप कब हो सकते हो? जब आप किसी केस को उसकी मेरिट से जज करते हो, उसकी मेरिट से हैंडल करते हो। आप फटाफट ओपिनियन या बाइसेस नहीं बना लेते, डिसीजंस आपके ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताया था, बाकी आगे अभी पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन लॉफुली, एक एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी होती है कि जो भी डिसीजन ले लिया गया है आप उसे इम्प्लीमेंट करो, भले ही आपकी जो थिंकिंग है, जो आपने कभी रिकमेंडेशन दी हो या एडवाइस दी हो उससे डिफर करती हो, लेकिन अगर एक बार डिसीजन हो गया तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। पहला काम गवर्नमेंट का है, दूसरा काम इम्प्लीमेंटेशन वाला आपका है। पहला काम था पॉलिसी मेकिंग। सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, आप जो भी वोटर वोट देके गवर्नमेंट बना देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आप उसे सपोर्ट करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप पार्शियल हो। नहीं, अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे, आप लीडर्स को सपोर्ट नहीं करोगे। नो पॉलिटिकल पेट्रोनेज, आपको अगर कोई ऑफर देता है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल किसी कमेटी का चेयरमैन बना दूंगा, आप मेरे लिए इस इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग करवा दो, तो नहीं, वो नहीं करेंगे। आप मेरे लिए पॉलिटिकल कैंपेन चलवा दो, वो दैट आई विल नॉट डू। सो पॉलिटिकल पेट्रोनेज फ्रॉम ईदर साइड नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रैलिटी से अभी मैंने कहा था कि थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज़ दैट? न्यूट्रल मतलब होता है कोई मतलब नहीं। इम्पार्शियल मतलब है बट कोई बायसनेस नहीं, आप मेरिट ऑफ द केस पे बात करोगे। जो इम्पार्शियलिटी है, इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग एनी साइड इन अ कंट्रोवर्सी, लेकिन आप क्या करते हो, किसी चीज़ को उसकी मेरिट पे जज करते हो। खैर, नॉन पार्टिसनशिप, आई थिंक इट इज़ पक्षपात। इसका मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग एफिलिएटेड विद एनी ग्रुप पार्टी ऑफ कोर्स, आप किसी पार्टी से, ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हो, अपने आप को अलग करते हो। कभी कभी क्या होता है, इस टर्म को, नॉन पार्टिसनशिप को, हम लोग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बदले इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं। नॉन पार्टिसनशिप कब हो सकती है? कोई इंसान कब होगा कि ये वैल्यू अपहोल्ड करे? जब उसकी वैल्यूज़ दोज फ्लो फ्रॉम विद इन द फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट से ना चलती हों, तब वो नॉन पार्टिसनशिप शो करेगा। आपको जो भी टास्क दिया गया विदाउट एनी फियर, फेवर और इलविल,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप नहीं बताओगे, आप वोट दे सकते हो लेकिन आप पब्लिकली नहीं बताओगे कि मैं बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया और या मैंने एनओटी एनोटा को वोट दिया। हाउएवर एक चीज़ होती है, आप इससे पहले ये देखो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस। आप डिसीजन जो अभी हम बात कर चुके हैं, आप वो डिसीजन तो फेथफुली और न्यूट्रली इम्प्लीमेंट करोगे, लेकिन नॉन पार्टिजनशिप में एक फंडा और होता है कि आप एब्सोल्युटली न्यूट्रल नहीं रह सकते। यू आर सपोज्ड टू इंटरवेन इन दोज मैटर्स जो आपको लगे कि दिक्कत दे हैं। तो वी शुड एक्ट टू मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज टू मैक्सिमाइज द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस तरह से कोई भी पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के रूल हैं, क्या हैं, जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होगा या उसे एसोसिएटेड नहीं होगा, ये उसकी ड्यूटी है कि उसके फैमिली मेंबर्स भी दूर रहें, वो अपने किसी पावर का यूज़ इलेक्शन में इन्फ्लुएंस के लिए नहीं करेगा, अपना वोट तो डाल सकता है लेकिन कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और कोई ओपिनियन या क्रिटिसिज्म पब्लिक मीडिया में नहीं बनाएगा किस चीज़ के लिए, तीन चीज़ों के लिए। पहली चीज़ क्या है, कोई पॉलिसी और एक्शन का क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस आपके गड़बड़ होते हों, इम्बरेस होते हों। तीसरी चीज़ क्या है, कोई ऐसी हरकत भी नहीं करेगा पब्लिक मीडिया में जिससे सेंटर और यानी फॉरेन स्टेट उनके रिलेशंस टूटते हों। तो इन दोनों चीज़ों के सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप। पब्लिक हैज़ राइट, पब्लिक को ये राइट है कि वो ये उम्मीद करे अपने सिविल सर्वेंट से, ऑनेस्टली काम करो भैया, बहुत हो गया करप्शन करप्शन, तो दैट्स वाई। दूसरी चीज़, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, तो उसे कम करो। सिविल सर्वेंट आपका पॉलिटिशियंस के कंटिन्यूस नेक्सस में रहता है, इंटरफेस में रहता है, तो उनको पॉलिटिकल बायसेस से तो दूर रखना चाहिए, खुद खुद को, किसी और को नहीं। अगर सिविल सर्वेंट सपोज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए टिल्टेड है, ठीक है, अच्छी बात है, आप हो गए टिल्टेड, तो होगा क्या उससे। सी, पॉलिटिकल पार्टी वो एक डिफरेंट ग्रुप या आइडियोलॉजी को हमेशा रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा अगर आप पार्टी ए को सपोर्ट करते हो, पार्टी बी को नहीं करते, तो जो लोग पार्टी बी के सपोर्टर थे वो मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे अपने आप को। सी, गवर्नमेंट इज़ कॉमन फॉर ऑल, गवर्नेंस इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर ऑल। दिक्कत कहाँ होती है, जो गवर्नेंस चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर जब वो कॉमन नहीं होते, तो दैट्स वाई इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप इज इम्पॉर्टेंट और आर इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से याद दिला दूँ गांधी जी की लाइन, इवन इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, ट्रूथ इज ट्रूथ। इस लाइन को हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग में, आपके आंसर कभी बायस्ड नहीं होंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी की मीनिंग है जो सच है वो सच है, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट। मतलब अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो ही रही है, उसमें आप ये नहीं कहोगे कि हाँ ये बहुत तेज़ धूप निकली है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी का जस्ट अपोजिट है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, मैं कहूँगा इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट वेदर, कोई कहेगा हट ये प्लीजेंट वेदर है, इतना घटिया वेदर है। जैसे मुंबई में रेन होती है, मुंबई में हर 2 मिनट में 5 मिनट में बारिश होने लगेगी, तो वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है, कभी कभी आपको छाता लेके हमेशा चलना पड़ता है। सपोज़ आप मुंबई में बीच में खड़े हो, तो आप आपके सामने, आपके नीचे भी वाटर, ऊपर ही वाटर, चारों तरफ वाटर, आगे पीछे दसों दिशाओं में, इन ऑल 10 डायमेंशंस, तो इट माइट नॉट बी प्लीजेंट। हाँ, कुछ लोगों के लिए इट शुड बी वेरी इंजॉयबल कंडीशन। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इम्पॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए जब आपके लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हों। अब कंक्लूजन में इसे आप कैसे लिखोगे, सपोज़ आपको कंक्लूड करना है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव दोनों वर्ड्स को यूज़ करना है, ये इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड इंप्रेशन जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हो। जैसे देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी इंक्लूडिंग द सब्जेक्टिविटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर डैश डैश डैश, तो यहाँ वो लिख दो जो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ आपने कितना नाइस कंक्लूजन कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग नोन एज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो आप टाइम के साथ सीखते हो। फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव होने से कुछ दिक्कत हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सोसाइटी में इन जनरल लोग बायस्ड होते ही हैं, उनकी अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, तो वहाँ काम आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर वही बात है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ होनी ही चाहिए, आप डिसीजन लो मेरिट बेस पे। आप अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल के पास जाने से डरो मत। डिसीज़न आपके ऑब्जर्वेबल फिनोमिना पे होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं हाँ आपने फैंसीज के ऊपर ले लिया, जो आपका मन करे चलेगा वो ले ली, ठीक है। इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई इमोशंस, बायसनेस और पर्सनल प्रेजुडाइस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, समर्पण। समर्पण होता है क्या है, व्हाट इज डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड।
आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो, जैसे आप यूपीएससी एग्जाम के लिए कमिटेड हो, यू नो आई एम डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही एक्स वाई जेड सब कुछ हो। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसकी बात करते हैं तो वो एम्प्लॉय को मजबूर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के लिए काम करे, अगर वो डेडिकेटेड है तो। इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू एक्टिंग। काम आप तब भी करो जब आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सपोज़ आपको ग्रेडिंग में A1, A2, A3 होता है, आपको हर बार आपका बॉस A2 दे देता है या A3 दे देता है, A1 वाले को प्रमोट करके फास्ट भेज देता है, तब भी आप काम करोगे, देन यू आर डेडिकेटेड। प्री रिक्विसाइट क्या है डेडिकेशन के लिए? सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, कमिटमेंट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस में आता है एंथुजियाज्म, प्रोफेशनलिज्म, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। स्पिरिट ऑफ सर्विस में हम क्या देखते हैं, मन से लगन आती है, ऐसा बचपन में सुना सुनाया करती थी दादी अम्मा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को जानो, नो योर सेल्फ। हर इंसान को अपने टैलेंट और पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहिए, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए कि हाँ मैं कितने गहरे पानी में हूँ, तब वो डेडिकेट हो सकता है लाइफ में, कुछ काम तभी भी कर सकता है। जब आपको, जब तक आपको अपने बारे में नॉलेज है तभी तक आप दुनिया में खड़े हो सकते हो, अदरवाइज नो। खैर, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, तो ऐसा कब होता है? सो आई विल टेल व्हेन इट हैपन्स। सबसे पहली चीज़ होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जैसे कोई न्यू रिक्रूटी है, उसको आप उसकी ड्यूटीज़ डिलीवर करने के लिए इस तरह से ट्रेन करते हो कि टू मेक देम रेडी फॉर कॉल ऑफ एक्शन और कॉल ऑफ ड्यूटी। जैसे अगर वॉर हुआ तो आर्मी जाएगी जाएगी, उनका खून खौलेगा, एक आम आदमी होगा तो डर के भाग जाएगा। दूसरा होता है नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट, आम आदमी को दिखे कि हाँ इस चीज़ की वजह से मेरा नेशन या कुछ लोगों की जान बच सकती है, तो लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जैसे वो एक मूवी बनी थी, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट गर्ल, एयर होस्टेस। तीसरी चीज़ होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैंने आपको बताई थी, फिर अल्ट्रुइज्म और बेनेवोलेंस। अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, इस बार मैं आपको बता चुका हूँ। टॉलरेंस और कंपैशन, टॉलरेंस अभी हम पढ़ेंगे, कंपैशन भी पढ़ेंगे। फियरलेसनेस, निडरता, ये चीज़ होनी चाहिए। स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। टॉलरेंस की बात करते हैं, पिछले 1.5 साल से जब से स्पेशली ये NDA गवर्नमेंट आई है तो ये लगातार न्यूज़ का टॉपिक है, अवार्ड वापसी, काओ, एवरीथिंग ये सब न्यूज़ में है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आता है, गवर्नमेंट इज़ इनटॉलरेंट, सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ रही है। तो व्हाट द हेल इज़ दिस इनटॉलरेंस और टॉलरेंस? होता क्या है कि हमेशा कुछ ऐसे ग्रुप्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल हमसे बहुत अलग होती है, तो टॉलरेंस सिंपली ये बताता है कि आप उनको कितना एक्सेप्ट कर पाते हो, अ फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड परमिसिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, जिनकी लाइफ स्टाइल हमसे अलग हो। लाइफ स्टाइल में ओपिनियन भी हो सकती है, उनकी जनरल प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, रेस, रिलीजन, एवरीथिंग इज़ देयर। वेन वी टॉक लाइक दीज टर्म्स, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। RRCSP हमने पढ़ा हुआ, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम एस की बात करें, सेक्स, जेंडर। जब हम जेंडर की बात करें तो इन जनरल आपके व्यूज़ क्या होते हैं, जेंडर मतलब मेल और फीमेल। वेन वी आर वर्किंग फॉर ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो एटलीस्ट ये कन्फर्म होना चाहिए, जेंडर मीन्स थ्री थिंग, मेल, फीमेल एंड अनदर जेंडर इज ट्रांसजेंडर। बिलीव मी, जब आप कभी भी जेंडर इनइक्वलिटी पे बात करते हो तो आप मैक्सिमम मेल और फीमेल और स्पेशली फीमेल की बात कर देते हो। कभी कभी मेल पे भी अत्याचार हो सकते हैं, जैसे वो डाउरी वाला एक्ट है तो उसमें अभी एडल्ट मेल टर्म हटा दी गई है, पहले उसमें एडल्ट मेल अगर अत्याचार करता है तो जाएगा, अब उसमें क्या मेल को भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है कि अगर मान लो बीबी बेलन से पीटे तो वो भी कोर्ट जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें सहिष्णु होना चाहिए, तो वी आर नॉट टॉलरेंट टू दैट पर्टिकुलर थर्ड जेंडर। तो हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए एटलीस्ट जब हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और एज अ जनरली जनरल पर्सन भी हमें लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए।
खैर हम दूसरों की जो ये दुनिया में हमारी डाइवर्सिटी है उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में एक पूरा का पूरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, आईयूसीएन पूरी इसके लिए रेड लिस्ट लाती है। अगर आप टॉलरेंट नहीं होगे तो एक दिन आप खुद ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाओगे। लेकिन टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू डिसएग्री, आपके पास राइट टू डिसएग्री नहीं है, या आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 में कही गई है। बट आपको ये काम करना है रिस्पेक्टफुल मैनर में। हेट्रेड, हेट से बना है ये वर्ड हेट्रेड। हेट्रेड या प्रोवोक करने वाली चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको डिसएग्री होना है, आप शान से डिसएग्री हो, आपको जो मन करे आप अपनी चीज़ बोलो, बट इन रेस्पेक्टफुल मैनर। हम वो कहते हैं ना कि हाँ ठीक है आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कहते हो नहीं तुम तो बीसी हो और भाड़ में जाओ, गालियाँ दे के सुनाए थे, तो अगली बार से वो आपको वो भी भरा पड़ा होगा कि आपको गालियाँ दे के आंसर दे। तो दैट्स वाई वी शुड रेस्पेक्ट टू एवरी पर्सन। क्या बुरा है किसी सामने वाले की रेस्पेक्ट करने में? वो एटलीस्ट आपकी डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करेगा ना, थप्पड़ नहीं मार देगा अगली बार। खैर तो इट डजेंट मीन टॉलरेट रॉन्ग थिंग्स, सोशल इनजस्टिस, क्राइम, मतलब गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना है। टॉलरेंस में ये सब नहीं आता है कि हाँ मैं तो टॉलरेंट हूँ और ठीक है कोई सोशल इनजस्टिस हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और मैं उस चीज़ को टॉलरेट करूँ। नो, दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टॉलरेंस, दैट इज़ एक्चुअली इनटॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सोसाइटी। तो ये इसेंशियल होता है जब, और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आजकल हमारा ग्लोबलाइजेशन का एज है, इंटरनेट का एज है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके हाथ में इंटरनेट आ जाता है। तो हमें टॉलरेंस की तो बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमें नेट पे लगातार आप देखते होंगे कि कुछ लोग एक्सट्रीम रेडिकल अपडेट्स होते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो दे आर नॉट टॉलरेंट, दे विल हैव टू सफ़र एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। तो व्हाट आर द रिक्विजिशन फॉर इट? टॉलरेंस के लिए आपकी स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए और आपको इंटीग्रल तो होना ही चाहिए, ठीक है, वट एवर, इसमें आप किसी भी वैल्यूज़ का नाम लिख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना चाहिए। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सिविल जस्टिस, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो L6 में डिटेल में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म को प्रमोट करता है और हर तरह की चीज़ों को, हर तरह की आइडियोलॉजी को हमारी इसी दुनिया में, इस लवली वर्ल्ड में हम अलग अलग चीज़ों के साथ जी सकते हैं। तो लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ एम्पैथी, एंड लास्ट वन इज़ कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। तो ये सब टर्म्स देखने में सेम लगती हैं, एम्पैथी हुई, सिंपैथी हुई, इवन पिटी, इमोशनल कंटेजियन, कंपैशन, एपैथी। तो इनका डिफरेंस क्या है? पहले ये कुछ सिमिलर टर्म्स पढ़ लेते हैं। सिंपैथी होती है संवेदना, इवन हिंदी में इनके मीनिंग्स भी कई बार सिमिलर होते हैं। सिंपैथी मतलब होती है फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से जो दिखाते हैं हाँ ठीक है चलेगा। पिटी होती है फीलिंग सॉरी, मतलब पिटी तो लीस्ट लेवल ऑफ सिंपैथी है। जैसे आजकल दो दो साल के छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आप कुछ उनसे गलती हो जाती है, बोले आई एम छोली, उन्हें पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सॉरी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैंक यू। तो दैट इज़ पिटी, जस्ट लाइक फीलिंग सॉरी, ठीक है हो गया हो गया, मुझे आप पे दया आ गई। सिंपैथी थोड़ा एक लेवल ऊपर हो जाता है, संवेदना फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन है ये भी आउटसाइड, आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है, एम्पैथी में आप ये भी सोचते हो फीलिंग फ्रॉम आउटसाइड तो है, बट आप सोचो कि अगर मेरे साथ ये हो जाता तो मैं क्या करता। तो एम्पैथी जब जनरेट होती है तब आपके अंदर जनरेट होता है भावनात्मक लगाव, इमोशनल कंटेजियन। तो आपके जो इमोशंस हैं वो डायरेक्टली ट्रिगर होते हैं आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में। इसके बाद फाइनल अल्टीमेट स्टेप आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब यू आर फीलिंग सॉरो ऑल्सो, बट यू हैव एक्टिव डिजायर ऑल्सो टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो दिस इज द मोस्ट इन्वॉल्व टर्म अमंग ऑल दीज। अपैथी होती है इन सबका उल्टा, अपैथी होती है उदासीनता। तो उदासीनता को आप ऐसे कह सकते हो बाहर में जाओ। अच्छा ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज़ बाहर? तो खैर ठीक है, आपको आंसर भी दे देता हूँ। बाहर आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट मैं व्हेन आई वाज इन केरला तो मैंने एक मलयाली फ्रेंड को कह दिया कि बाहर में जाओ, तो वो मेरे से गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हुआ? ही टोल्ड,
वाई शुड आई गो ऑन अ रेंटेड हाउस वेन आई एम लिविंग इन माई पेरेंट्स होम। तो उसने भाड़ को भाड़ा समझ लिया था। खैर ठीक है, तो एपैथी मतलब होता है आपको मतलब ही नहीं है, जो होना है होने दो, भाड़ में जाओ। एम्पैथी, एम्पैथी अभी हमने देख ही लिया कि आप जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो आप अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करके देख लेते, दैट इज नॉन एज एम्पैथी, प्री रिक्विजाइट फॉर एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, लगातार आ रहा है। तो अगला लेक्चर इमोशनल इंटेलिजेंस का ही है, डेनियल गोलमैन की बुक हम वहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक्टिव लिसनिंग, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के ही पार्ट हैं। एक्टिवली आप दूसरों को सुनते हो, बॉडी लैंग्वेज आप रिकग्नाइज कर सकते हो, जो पुअरली एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशंस हैं या अनएक्सप्रेस्ड रह गए हैं उनको भी आप रिकग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपके सामने रो ना पाए लेकिन आप उसको फेस देख के पढ़ सकते हो कि हाँ ही इज़ हैविंग दिस मच ऑफ पेन। आप सिग्नल्स भी तब भी समझ सकते हो जब यू आर नॉट कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल आप डीएम हो, आपके सामने कोई एक लड़की अपनी प्रॉब्लम बताने आ रही है, तो इफ़ यू आर अ मेल 99.99% ऑफ टाइम्स शी वॉन्ट बी कंफर्टेबल विद यू, तो यू हैव टू पिकअप द सिग्नल्स वॉट शी वॉन्ट्स टू टेल यू। तो लेवल ऑफ एम्पैथेटिक सिचुएशन क्या होती है। एक रेड्डी अंकल थे, एट ऑल मतलब होता है जो लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो रेड्डी मतलब रेड्डी वॉज द मेन राइटर, एट ऑल मतलब इनके साथ के एक्स वाई जेड, मतलब इनके गाइड, इनके चेयरमैन और फलाना इनका, जिनका कोई रोल होता नहीं एट ऑल का मतलब। तो रेड्डी अंकल ने जो पेपर पब्लिश किया था उसमें इन्होंने कुछ लेवल बताए थे, 5 लेवल बताए थे एम्पैथी के। पहला लेवल अंडरस्टैंड अनस्पोकन कंटेंट, जो चीज़ बोली नहीं गई उसे समझ लो। दूसरी चीज़ हैव कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों की बातों के लिए एटलीस्ट कोई कंसर्न तो रखो, समझ तो लिया। लेवल 3 मेकिंग इन्फ्रेंस बियॉन्ड द एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड कंटेंट, जो कह दिया, जो सामने वाले ने कह दिया उसके आगे भी सोचो। कई बार जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक मेल हो, आपके सामने एक लड़की अपनी प्रॉब्लम तो बोल ही नहीं पाएगी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रोल था इम्पॉर्टेंट वो यहाँ आता है लेवल 3 में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बिलीव मी अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। लेवल 4 में एक्ट एज रोल मॉडल, आपने उसकी बात समझ ली, सब कुछ कर लिया, इन्फ्रेंस भी निकाल लिया, अब आप उसके लिए रोल मॉडल की तरह काम करोगे कि यस आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेट यू ट्रस्ट मी। और लेवल 5 होता है कि आप पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे रेस्पेक्ट का। हालांकि ये 5ों चीज़ें मुझे एक दूसरे से कुछ भी मिलती जुलती लगती नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ लो, ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि 5 लेवल बताओ। हाँ, आप आंसर को परफेक्ट और ब्यूटीफुल बनाने के लिए काम कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, एम्पैथी एक यूनिवर्सल वैल्यू है, इसेंशियल फॉर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव मतलब समेकित, सबका, सबका साथ सबका विकास, दैट इज द मेन थीम ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो ये एक सिविल सर्वेंट को इनेबल करता है कि वो दूसरे के चश्मे से दुनिया को देखे। एम्पैथी और कंपैशन जो अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी हमने समझा था कि एम्पैथी कंपैशन से जस्ट पहले आती है और कंपैशन के लिए प्री रिक्विसाइट है, तो एम्पैथी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैशन, बाकी इस पूरे पैराग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो लास्ट टॉपिक हम उठाते हैं कंपैशन टुवर्ड्स दी वीकर सेक्शन, सिलेबस का टॉपिक है। तो कंपैशन स्टार्ट्स विद एम्पैथी, जब आप खुद को दूसरों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के देखते हो, दैट वॉज एम्पैथी। जब आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ नॉन एज कंपैशन। यू हेल्प अदर्स बिकॉज यू वॉन्ट्स टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। आप दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं करते कि आपको मजबूरी है करना, आप इसलिए करते हो कि आप करना चाहते हो। शो काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आप दूसरे के लिए कुछ तो करोगे भले ही बदले में आपको कुछ ना मिले। आप उस बंदे से कम्युनिकेट कैसे करोगे, फेशियल जेस्चर और टच, कभी आप उसको पीठ पर हाथ रख के कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, जस्ट फेशियल जेस्चर, आप उसको बिना कुछ कहे आपने कहा ठीक है मैं देखता हूँ देखता हूँ, आई विल सी। एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट कैसा होता है, वही बात, ऋतिक रोशन जैसा तो नहीं होता है या आमिर खान के दंगल जैसा नहीं होता है। ऋतिक रोशन के 6 या 8 या 12 पैक्स थे, पता नहीं कितने थे, आमिर खान का एक फैमिली पैक था। तो कंपैशनेट सिविल सर्वेंट कैसा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा होता है जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन उसकी नीडों को, जरूरत नीड्स को समझे। नीडो ऐसे मत करना यार, ये हरकत मत करना, नीड को नीडो लिख दो, फटाफट आपकी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करे, सर्विस डिलीवरी में एक्टिव हो, अनबायस हो,
इन्फॉर्मेशन के लिए एक्टिवली सीख मतलब ढूंढता फिरे, यहाँ इन्फॉर्मेशन मिले मिले मिले, कहाँ से मिलेगी, सारी कम्युनिटी से मिले, और इनेबल्स मैकेनिज्म टू एड्रेस फीडबैक, फीडबैक लोगों से लेने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करें। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन क्या है, टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शंस। तो दिस इज़ और दिस वॉज द आई थिंक थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर वट एवर। इसके बाद आएगा अगला लेक्चर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद अगला लेक्चर रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म होते ही एथिक्स हाफ कंप्लीट हो जाएगी। सो टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।